द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो सिविल इंजीनियर के लिए है। पहला क्वेश्चन, ए रिवेटर ज्वाइंट में एक्सपीरियंस शेयर फेलर ऑफ प्लेट बियरिंग फेलर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इफ पी एंड डी आर पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट इज गिवन बाई पी माइनस डी बाई पी। If the moment of inertia of section about its axis is I and its effective sectional area is A, its radius of gyration R about the axis is under root I by A. Allowable working stress corresponding to the slenderness ratio of double angle plates back to back and connected to one side of gusset plate is reduced to 80%। तो जैसे प्ले गजट प्लेट है और ये एंगल है, जब प्ले बैक टू बैक कनेक्ट होगा तो हम इसका वर्किंग स्ट्रेंस 80% लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस 800/1871 लेसिंग बार रेशियो ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। Pick up the correct statement from the following. Loaded column are supported on column base. ये भी सही है। Column base transmit the column load to concrete foundation. ये भी सही है। Column load is spread over a large area on concrete. ये भी सही है। तो correct answer all option are correct. In composition of good brick, the total content of silt and clay by weight should not be less than 50%। जो एलुमिना होता है 20-30% होता है। In factory building, the horizontal beam spanning between wall column supporting a wall covering are called girds. The average shear strength for rolled beam section is, रोल बीम सेक्शन के लिए हम जो एवरेज शेयर स्ट्रेंथ लेते हैं 945 होता है। एवरेज शेयर सर वेव क्रिपलिंग जनरली आकर एट ए पॉइंट वेयर कंसेंट्रेटेड लोड एक्ट। ये जो आई सेक्शन है, ये फ्लेंज है, ये वेव है। जहाँ कंसंट्रेटेड लोड लगेगा वहाँ वेव क्रिपलिंग होता है। ये वेव क्रिपलिंग होता है, ऐसे कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड लगता है वहाँ पे होता है। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, मतलब तीनों चीज पर डिपेंड करता है। Means all option are correct. The process of adding water to lime to convert it into a hydrated lime is done as slaking. देखिए lime stone को जब जलाएंगे मतलब बर्निंग करेंगे, जो लाइम स्टोन मतलब लाइम स्टोन प्राप्त ब्रेकिंग करेंगे तो हमको चूना प्राप्त होगा। जब हम लाइम स्टोन को बर्न करेंगे तो हमें बर्न करने के बाद हमको एक क्विक लाइम प्राप्त होता है। क्विक लाइम, जब क्विक लाइम में हम पानी मिलाएंगे, पानी तो हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं या स्लेकिंग कहते हैं। If aggregate completely pass through a sieve of 75 mm and a return on a sieve size 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if length is not less than 121.5 mm.
The calcination of pure lime result in quick lime, मतलब लाइम स्टोन को जो बर्न करते हैं, लाइम स्टोन को बर्न करते हैं तो हमें क्विक लाइम प्राप्त होता है। और जो क्विक लाइम में जब हम पानी मिलाएंगे तो हाइड्रेटेड लाइम में मिलेगा, और जो फैट लाइम होता है वाइट वाशिंग के लिए काम करते हैं, वाइट वाशिंग मतलब पुताई के लिए वाइट वाशिंग। Pick up the correct statement for the following. An increase in water content must be accompanied by increase in cement content. सही है। Angular and rough aggregate reduce the workability of concrete. ये भी सही है। Workability increase करने के लिए हम गोल मतलब राउंड एग्रीगेट यूज करते हैं। Large size aggregate increase the workability due to larger surface area. ये भी सही है। तो हमारा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स आर 7 ग्रेड होता है। करेक्ट आंसर 7 हुआ। क्यूरिंग ए कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंश्योर इंज्योर बेटर, तो हम जो कंक्रीट होता है उसे हम लंबे समय के लिए क्यूरिंग करते हैं, किस लिए मतलब क्यों करते हैं, तो इसका मेन कारण है वॉल्यूम स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ और वाटर स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो हमारा ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज टू इलिमिनेट एयर होल्स, ये भी सही है। टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, सही है। टू प्रोवाइड इंटीमेट कंटेक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड, तो वेयर बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स आर सिमिलर, वहाँ पर भी तो यहाँ पर भी प्रोवाइड करेंगे। वेयर मेंबर इज सपोर्टेड बाई अदर मेंबर, यहाँ पर भी सही है। 80 मीटर पार्ट इन ह्यूज स्ट्रक्चर, यह भी सही है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, करेक्ट आंसर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हुआ। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नेसेसरी प्लान फॉर देयर लोकेशन, सही है। एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन, यह भी सही है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। Grading of sand causes great variation in workability of concrete, strength of concrete, durability of concrete. So all option are correct hoga. The lightweight aggregate are obtained from volcanic rock. Correct answer hoga volcanic source. Jo igneous rock hota hai, granite hota hai. जो वोल्केनिक रॉक होता है बेसाल्ट होता है, मतलब जमीन के अंदर होता है, पाया जाता है जमीन के ऊपर ही सतह पर। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन इट्स शेप ग्रेडिंग एंड कंपैक्शन, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बैचिंग ईयर्स मीन इन एक्यूरेसी इन द क्वान्टिटी ऑफ, जो बैचिंग ईयर होता है एग्रीगेट सीमेंट वाटर तीनों में होता है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द सेंटर नीडल ऑफ अटैचमेंट ऑफ बिकाट प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाई 0.5 mm, द फ्लेक्सनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इन द परसेंटेज बाई वेट ऑफ पार्टिकल्स इन विच थिकनेस इज लेस देन 0.6 होता है, मतलब 3.5 मीन ऑफ लेंथ। द फील्ड टेस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंटेन इन पुटिंग ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर,
A good quality cement will float on the water surface. मतलब कोई सीमेंट है, सीमेंट को लेकर हम पानी के सतह पर वाटर सरफेस पर हम सीमेंट गिराएंगे तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, बॉटम में नहीं आना चाहिए, सरफेस पर तैरने लगेगा सीमेंट तो वह सीमेंट सही है, गुड क्वालिटी का है सीमेंट। फॉर द रिपेयर ऑफ रोड, जो हम रोड रिपेयर करते हैं तो हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, तो करेक्ट होगा ऑप्शन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू मोनोलिथिक कैरेक्टर, सही है, फॉर रेस्टेटिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, यह भी सही है, इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यह भी सही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। By reinforcing a beam, the moment of resistance can be increased not more than 25%। दोस्तों इसका PDF लिंक भी प्रोवाइड किया गया है जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। Spacing of steps in a rectangular beam, increase at the center of beam, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों जो होता है ये बीम है, ठीक, जो स्पेसिंग होता है पास पास होता है सपोर्ट के पास, और जब सेंटर की हो जाते हैं तो स्पेसिंग इंक्रीज हो जाता है, फिर जो इसके पास जाएंगे जॉइंट के पास फिर पास पास हो जाएगा, सबसे स्पेसिंग मैक्सिमम सेंटर में होता है। The radius of a bar bent to form a hook should not be less than 4R, means twice the diameter. Steel bar are generally connected together to get greater length than the standard length by providing straight bar splice, hook splice, dowel splice. तीनों ऑप्शन सही है। The diameter of longitudinal bar of a column should never be less than 2 mm. जो longitudinal bar होता है जो कॉलम यूज करते हैं 12 mm से यूज कम नहीं होना चाहिए। The maximum ratio of span to depth of slab simply supported and spanning in two directions 35 होता है, जो L by D होता है 35 होता है, और वन वे स्लैब के लिए जो एल बाई डी का होता है 30 होता है 30। फॉर अ कंटिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एंड इन एंड कैरीज ओवर इंटरमीडिएट बीम, तो मैक्सिमम सेगिंग बीम होता है जो इन स्पान में होता है WL²/10, ये भी सही है। मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट ओवर पेन एंड अल्टीमेट सपोर्ट एट इक्वल टू -WL²/10, ये भी सही है। मैक्सिमम सेगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होता है इंटीरियर स्पैन में WL²/12, ये भी सही है, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट पाइल ओवर ए टिम्बर पाइल इज नो डिके ड्यू टू टर्माइट्स, ये भी सही है। नो रेस्ट्रिकेशन ऑन लेंथ, ये भी सही है। हायर बियरिंग कैपेसिटी, ये भी सही है। सभी यहाँ सभी ऑप्शन सही है। ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट एरिया एक्सीड द प्लान एरिया ऑफ बिल्डिंग बाई 50%, करेक्ट आंसर 50% होगा। द फोर्स इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रस मे बी एनालाइज बाई ग्राफिकल मेथड, ये भी सही है। मेथड ऑफ ज्वाइंट, ये भी सही है। मेथड ऑफ सेक्शन, ये भी सही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। A roll steel joist is simply supported at its end and carries a UDL which causes a maximum deflection of 10 mm and slope at the end of 0.002 radian. The length of joist will be 16 meters. A lift of weight W is lifted by a rope with an acceleration F. If the area of cross section of slope is A,
The stress in the rope is W into 1 plus A by G into A by A. The material which over hook lies is subjected to direct stress sigma 0 at its elastic limit. Which of the following statement is true? Strain is equal to sigma 0 by E. Maximum shear stress sigma 0 by 2. Strain is sigma 0 square by 2E into volume. तो तीनों ऑप्शन सही है। Keeping the depth d constant, the width of cantilever of length l of ideal load with a uniform load w vary from 0 at free end and तो correct answer होगा 3w by sigma d into l square at the fixed end. The force in EC of truss shown in the figure below is जो EC है तो इसी में पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा तो इसी में कंप्रेशन होगा और DA में टेंशन होगा तो इसी में जो कंप्रेशन होगा 5T होगा. पूछ रहा है कि इन द केबल शोन इन फिगर बिलो द मिनिमम टेंशन आकर तो मिनिमम टेंशन कहाँ होगा तो सी पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगा और बी सी पार्ट में टेंशन मैक्सिमम होगा और उससे कम मैक्सिमम इसमें और इससे कम ए सी पार्ट में होगा सबसे कम सी पॉइंट पर होगा टेंशन तो करेक्ट आंसर सी होगा. A shaft is subjected to bending moment M and torque T simultaneously. The ratio of maximum bending stress to the maximum shear stress developed in the shaft is 2M by T. Correct answer is 2M by T. The shape factor for standard roll beam section vary from 1.1 to 1.2. और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए 2.34 होता है सेफ फैक्टर. दोस्तों फिर से पूछ दिया है सेफ फैक्टर. द सेफ फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन इज 2.34. सीयर सेंटर ऑफ हाफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ कंस्टेंट थिकनेस लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर वेयर एक्स इज. तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा 4R/5. A 3-inch arc is generally hinged at its support and anywhere in the rib. दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है जो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं.